गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 12वां श्लोक मेरे ख्याल में कल हमने किया था भक्ति शास्त्री रोहिणी के, सॉरी भक्ति वैभव के रोहिणी के आप सब सादर आज के इस सत्संग में तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवत के 18वें अध्याय के दूसरे विभाग में, जहां भगवान वाराहदेव जो अपशब्द और निंदा के शब्द जो हिरण्याकश ने कहे थे उनके उत्तर में उचित उत्तर दिया है, इसके इस विभाग का अंतिम श्लोक है ये। त्वम पद रथानाम कील युत्थप्पा अधिपो। इसका अर्थ है जो जो पैदल सैनिक होते हैं उन सब के आप सेनापति हो। घटस्व न स्वस्त्य असाव अनुहाह। इसका अर्थ है आप भले कितने भी तेज गति से आगे बढ़ो, संस्ताप्य चास्मान प्रियज अश्रु स्वकानाम। अब आपका मूर्खता को छोड़िए, ऐसे बकवास मत कीजिए और अब कहते हैं यह स्वाम परि प्रतिज्ञां नाति पिपरती असभ्य। ऐसे व्यक्ति जो अपने वचन कहे और पूरे नहीं करे उसको अच्छी सभा में बैठने का अधिकार नहीं है। अब भगवान कह रहे हैं कि आप पैदल चलने वाले जो सैनिक होते हैं उनके सेनापति हो, आप भले आगे पढ़ के हमको हटाने का प्रयास कर रहे हो, आप अपनी मूर्ख के ये बकवास बंद करो और अगर अपने परिवार के विषय में सोचते हो जिनको हमको मारने के लिए आप सोच रहे हो, अरे इतना अहंकार मत करो, अपने किए हुए वचनों को पूरा करो, नहीं तो अच्छी सभा में बैठने के आप अधिकारी नहीं हो। आप में से कोई इसका अनुवाद पढ़ेगा श्रील प्रभुपाद का? हरे कृष्ण तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद कीजिए। कोई असुर भले ही शूरवीर हो और विशाल पैदल सेना का नायक हो, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सामने वह शक्तिहीन रहता है और उसकी मृत्यु अवश्य संभावी है। अतः श्री भगवान ने असुर को ललकारा कि भागो नहीं, अपितु उनका वध करने का अपना वचन पूरा करो। हरे कृष्णा अनुवाद पढ़ने के लिए बोला था, इसका दूसरा अर्थ क्या है? देखिए इसका ठीक आप कह रहे हैं लेकिन ये भी ठीक है वो भी ठीक है। इसका दूसरा अर्थ देखो क्या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किया है। प्रेम से भरे हुए आप असुरी भाव को प्राप्त हुए हो मुझे सुख देने के लिए, वीर रस का रसवासादन आस्वादन करके युद्ध के लिए, जो अपने वचन को पूरा नहीं करे वो अच्छी सभा में बैठने का अधिकारी नहीं है, इसलिए आप इन सैनिकों के पैदल सैनिकों के सेनापति हो, मुझे प्रसन्न करो, लड़ाई करो, आप अपना जीवन
अब यहाँ निछावर करना पड़ेगा, मैं आपके हृदय में बैठ जाऊंगा और आपके आनंद के आंसुओं को मैं जो है पहुंच लूंगा। अब ये तो ये जो दूसरा भाव है ना, ये है वाराहदेव जानते हैं कि मैं विष्णु हूं और ये जो हिरण्याकश है ये जय है। तो ये भाव भगवान ने यहाँ इस श्लोक का ये भाव चक्रवर्ती पाद ने दिया है दूसरा। अब हम तीसरे विभाग में जा रहे हैं। तीसरा विभाग है 13 से 19 तक भगवान वाराहदेव और हिरण्याकश के बीच में युद्ध। तो मैत्री जी कह रहे हैं साधिक्षप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषा भृशम अज्ञारो उल्भवणम कोधम क्रोधम कीड्यमानो ही रड़ैव। रड़ैव का मतलब है इतना क्रोध है जितना एक सांप में होता है, ऐसे सांप ही की तरह क्रोध में हो गया। मैत्रेय कहते हैं वो असुर जिसको भगवान ने ललकारा था युद्ध के लिए, बहुत ही क्रोध से विचलित हो गया और ऐसे कांप रहा था क्रोध में जैसे कोई विषीला सांप हो, कोबरा। अब शिला प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं सांप जो होता है काला सांप वो बहुत ही क्रोधी होता है सामान्य व्यक्ति के सामने, परंतु जो सपेरा होता है वो उसके सामने उसको समझता है कि इसके सामने ये खिलौना है। इसी प्रकार से असुर भले कितना भी शक्तिशाली अपने आप को समझे हर प्रकार से हर विषय में हर क्षेत्र में, परंतु भगवान के सामने वो बिल्कुल ही तुच्छ है। रावण बहुत बड़ा क्रोध किया था देवताओं के ऊपर, परंतु भगवान रामचंद्र ने उसको उसने अपने आराध्य देव शंकर को भी बुलाया, परंतु राम जी के सामने वो थर थर कांपते हुए अपना प्राण दे दिया। सो प्रभुपाद के तात्पर्य का अर्थ है कि भगवान के सामने ये सारे असुर खिलौने हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं भगवान के द्वारा 10वें श्लोक में जो असुर की निंदा की गई, उसको फटकारा गया, वो क्रोधित हो गया क्योंकि वो प्रलब्धम था, मतलब वो एक जो है हंसी का पात्र था, इसलिए वो बड़े सांप की तरह थुथकारने लगा। क्यों? भगवान ने उनको फिर चिढ़ाया था 11वें और 12वें श्लोक में। अब इस श्लोक का दूसरा अर्थ क्या है? वो वैकुंठ से अपने पद से च्युत होके धरातल पे आया था। अधिक्षिप्तम का मतलब ऊपर से नीचे गिराया गया, उसको बहुत क्रोध आ गया। वो शुद्ध सत्व, उसका भाव शुद्ध सत्व का है क्योंकि वैकुंठ से आया है। वो कुमारों के शराब के कारण और भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए वो पूर्ण रूप से अज्ञानी बन गया, मूर्ख बन गया। और भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए क्रोध से लड़ने को तैयार हो गया। वो वास्तविक क्रोध नहीं था, उसने क्रोध को थोड़ी देर के लिए स्वीकार किया। ऐसे कहा गया है भगवान रामचंद्र इतने ही स्वभाव के कोमल होते थे, कभी क्रोध करते ही नहीं थे। रावण को मारने के समय उनको क्रोध को बुलाना पड़ा, थोड़ी देर के लिए आओ तब ये काम पूरा हो पाएगा। सो ऐसे असुर ने क्रोध को बुलाया ताकि भगवान की लीला में भाग ले सके। सृजम अमृष्टः स्वासां
मन्यो प्रचलिलेन्द्रियैः आसाद्यः तरसादयितो गदया निहन्नत धरिम। हरि के ऊपर गदा लेके प्रहार करने लगा, सांप की तरह फुफकारता हुआ और सारी इंद्रियां क्रोध से कांप रही थी। और एकदम असुर हिरण्याकश ने भगवान की ओर मृत्यु जैसा अपने गदा से प्रहार करने का प्रयास किया। और श्री प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं है, चक्रवर्तीपाद ने भी कुछ नहीं लिखा है। तो हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं, 15। भगवांस्तो गदवेगं विसृष्टं रिपुनोरसी अनवंचयत्तः त्रशत्चिनो योगारूढ़ इवंतकम्। भगवान उस गदा के वार को सामने देखकर तनिक भी नहीं अपने स्थान से हिले और जो भगवान की छाती के ऊपर असुर ने प्रहार किया था, भगवान को ऐसे लगा जो योगी होता है अपनी इच्छा से मृत्यु को टाल सकता है, ऐसे भगवान निर्भय वहां खड़े थे। योग आरूढ़, देखो योग हमने छठे अध्याय भगवत गीता में दो योग के स्तर पढ़े हैं, योग आरुरुक्ष और योग आरूढ़। इसका मतलब योग में जो परिपूर्णता प्राप्त करता है सिद्धि, वो मृत्यु को टाल सकता है, उसको मृत्यु नहीं छू सकती। तो गदा मृत्यु के रूप में आ रही थी असुर की, परंतु भगवान तो योगेश्वर है तो उनको उसका अपनी जगह पे खड़े रहे और उनका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं हुई। श्री प्रभुपाद लिखते हैं यहां सिद्ध योगी का उदाहरण दिया गया है जो मृत्यु को, भले प्रकृति उसके मृत्यु को निर्धारण करें पर वो उसको अपने योग बल से हटा देता है, आने नहीं देता है। ये मूर्खता थी उन इस असुर की कि वो भगवान के ऊपर प्रहार करेगा, दिव्य भगवान का शरीर है और उसका ये शक्तिशाली गदा कुछ भगवान का बिगाड़ पाएगा। अरे भगवान के बल को, जो भगवान शब्द में जो असीम बल है, उसका ये गदा क्या बिगाड़ सकती है। जो आध्यात्मिक में उन्नत हैं वो प्रकृति के नियमों से ऊपर हैं, वो अपनी मृत्यु को भी टाल सकते हैं। ऐसे सामान्य दृष्टि से अगर हम ऊपर से देखें तो लगता है कि योगी के ऊपर अपना मृत्यु ने आक्रमण किया है, परंतु भगवान के कृपा से वो ऐसे प्रहार से अपने आप को बचा लेता है। भगवान का भक्त भगवान की सेवा के लिए नित्य रह सकता है। और अब 16वां श्लोक पढ़ रहे हैं प्रिया। पुनर्गदां स्वामादाय भ्रामयन्तम् अभीक्षणस अभ्यद्वद्धः हरिः कुरुद्धः संरम्भाद्रिज दष्टदच्छदम्। तो यहां लिखा है भगवान भी अपने क्रोध को प्रकट कर रहे थे और उस दैत्य दिति के पुत्र हिरण्याकश के ऊपर भगवान आमने सामने युद्ध के लिए आगे बढ़े।
और ऐसे लगता है कि उस वक्त असुर अपने होंठ जो है उनको अपने दांतों से काट रहा था क्रोध के कारण, और भगवान ने भी अपनी गदा को उठाया और उसको इधर उधर हिलाया, ऐसे लगता है अभीक्षण है। अभीक्षण का मतलब बार बार, एक अभीक्षण का हमारे लिए होता है कि हमें बार बार भगवान के नाम का उच्चारण करें, अभीक्षण का मतलब है बार बार उसको किया। और तो भगवान ने गदा का प्रहार किया उस असुर के ऊपर, और 17वें श्लोक में लिखा है ततश्च गद्यारातिम, गद्या गदाएं, अरातिम अरी अरी कहते हैं शत्रु को, अरातिम मतलब एक शत्रु, दक्षिणयस्याम ब्रूहि प्रभो। दक्षिण कहते हैं सीधे पासे को, सीधे सीधे हाथ का तरफ को दक्षिण कहते हैं, और वाम कहते हैं वो लेफ्ट साइड को। भ्रूई भ्रू, भ्रू कहते हैं देखिए आंखों के ऊपर जो बाल है इसको भ्रू कहते हैं। प्रभु भगवान के आज जगने, उसको मारने का प्रयास किया। हे सुनो विदुर, किसने अपने आप को बचा लिया? देखिए क्या लिखा है, भगवान ने जब अपनी गदा को उस बड़े शत्रु अपने के सीधे भ्रू के ऊपर मतलब आंख के ऊपर मारा, वो हिरण्याकश भी गदा युद्ध में बहुत दक्ष था। विदुर जी सुनो, हे बहुत सौम्य विदुर, उसने अपने आप को भगवान के इस प्रहार से बचा लिया, वो बच गया। और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं असुर ने भगवान के ऊपर गदा का प्रहार किया और वो गदा भगवान तक पहुंच ही नहीं पाई। ये चक्रवर्ती पाद का भाव थोड़ा सा अलग लग रहा है। हे विदुर, भगवान ने उस असुर के सीधे हाथ की तरफ पे अपने गदा का वार किया, उन्होंने भगवान की गदा को अपने पास पहुंचने ही नहीं दिया। इसका मतलब है कि उस असुर ने अपनी गदा से भगवान की गदा को नष्ट कर दिया, अपने पास पहुंचने नहीं दिया। 18वें श्लोक में लिखा है एवं गदाभ्याम गुरु गौरवीभ्याम, गौरवीभ्याम एक दूसरे के ऊपर गदा का प्रहार कर रहे थे। हरियोश हा हर्यक्षो हरियेव हरियेव च, तो हिरण्याकश हरियक्षो उसे हिरियक्षो हिरण्याकश हरि एव हरि के ऊपर जिघस्याहा सुस्मर बधाव, सुस्मर बधाव जिघस्व का अर्थ है युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए, और सुसम्रबद्धव का मतलब है बहुत क्रोधित होके अन्यो अन्य एक दूसरे के ऊपर क्रोध से प्रहार कर रहे थे। अभी गदंत हो एक दूसरे को गदा सा, जिसका मतलब गदा युद्ध में दोस्त दून एक दूसरे से भिड़े हुए। इस प्रकार हिरण्याकश असुर ने भगवान जो है वो एक दूसरे को अपने गदा के युद्ध से मारने का प्रयास कर रहे थे, और हरे हर दोनों प्रयास कर रहे थे कि हम विजयी बने। तो ये भाव है इनके युद्ध का। प्रभुपाद लिखा है हरियाकश हिरण्याकश का दूसरा नाम है,
अब इस विभाग का अंतिम श्लोक है। तयो स्प्रद्धो स्तिगं गदः तांगयो शक्तास्रवघ्राण विबद्धमन्यो विचित्रमार्गांश्चतुरजिगिष्या व्यथाद लीलायम इव शुशोमिणोर्मृदा। बड़ी अच्छी एक दूसरे के शत्रुता जो है उसका लगता रखता कि दोनों हिरणाक्ष और भगवान वराहदेव एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का प्रतिद्वंदी के रूप में युद्ध कर रहे थे। एक दूसरे को चोट भी लग रही थी उनके शरीर के ऊपर, एक दूसरे को मार भी रहे थे। उनका जो गदा था उसमें वो चुंबदार चीज़ें भी, चुभने वाली चीज़ें भी थी, और जितना लग रहा था एक दूसरे को उतना एक दूसरे से के ऊपर अधिक क्रोध हो रहा था। और अपने एक दूसरे के खून के जैसे प्यासी हो अपने खून के खून को जब वो सूंघ रहे थे तो उनका क्रोध और बढ़ रहा था। और अपनी विजय के लिए जो उत्साह था उनको, तो उन्होंने बहुत प्रकार के युद्ध के जो है कौशल को दिखाया। ऐसे लग रहा था कि दो बहुत बड़े बैल जो हैं वो किसी गाय को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को मारने को लगे हों। तो ये उदाहरण दिया है कि दोनों आपस में बहुत ही बल के साथ युद्ध में लगे हुए थे, को युद्ध कौशल का दर्शन करा रहे थे। इसके ऊपर भी तात्पर्य है प्रभुपाद का। यहां पृथ्वी को इल्ला कहा जाता है, इसलिए पृथ्वी को पहले इलावर्त वर्ष कहते थे। महाराज परीक्षित जब पृथ्वी के राजा थे और उस वक्त इसको भारत वर्ष कहा जाता था। वास्तव में भारत वर्ष पूरे इस ब्रह्मांड का नाम है। आस्ते आस्ते भारत वर्ष इंडिया में सीमित हो गया। अभी देखो भारत का विभाजन हो गया है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। ऐसे पहले इलावर्त वर्ष बहुत विशाल, ये पूरी धरती खारे पानी से भरी हुई इलावर्त वर्ष थी। और महाराज भरत जो ऋषभदेव के पुत्र है उसके नाम के पीछे इसका नाम भारत वर्ष हुआ, और इसको भारत वर्ष ही कहना चाहिए। आस्ते आस्ते अलग अलग राज्यों के सीमाएं हो गई और इसका विभाजन हो गया। विष्णु प्रभुपाद ये जानकारी दे रहे हैं। विष्णुनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं दोनों युद्ध में युद्ध के कौशल को दिखा रहे थे, और जैसे खून सूंघ रहे थे उनका क्रोध बढ़ रहा था और एक दूसरे को चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। और देखने जैसा ये युद्ध था, लगता था कि दो बड़े बड़े जो है इलयाम, दो बड़े बड़े वृषभ मतलब बैल एक गाय को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ते हों। वो एक दूसरे को मारने के प्रयास में दोनों लगे हुए थे। और इल्ला का दो अर्थ है, एक गाय भी एक इल्ला का अर्थ है और पृथ्वी भी है। तो पृथ्वी के लिए लड़ रहे थे ये अधिक उचित है। उदाहरण दिया कि जो बैल है गाय के लिए लड़ते हैं, ये दोनों लड़ रहे थे पृथ्वी के लिए। तो ये एक एनालॉजी है जिसके दो अर्थ हैं, ये ध्यान में रखना आप आगे अपने शिक्षा में, कि बैल गाय के लिए जैसे लड़ते हैं ऐसे पृथ्वी के लिए दोनों लड़ रहे थे। अब ये अंतिम विभाग आया है। ब्रह्मा ने भगवान वराह को प्रार्थना की कि आप इसको अब मार दीजिए, इसके साथ खेल के समय संध्या काल हो रही है और संध्या काल में असुर का बल दुगना हो जाता है, आप अब इसके साथ क्रीड़ा करना छोड़ दिए। और इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मा की दिन रात हो रहा था, तो ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है। ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनुओं का शासन चलता है और एक मनु के शासन में 71 बार 4 युग बदलते हैं,
तो आप समझ लिए कि ब्रह्मा जी का शाम कितनी दूर देर से हुई होगी। ये आप देखिएगा, यहां अपन हम 20वें श्लोक में देखते हैं। हे कुरु वंश में उत्पन्न, मतलब विदुर जी, ब्रह्मा जो स्वतंत्र देवताओं में वास्तव में तो गुण अवतार है, उनके साथ उनके अनुयायी भी थे, वो इस भयानक युद्ध को देखने के लिए आए। और इस युद्ध में भगवान जो वारा रूप में आए थे उसको देखने के लिए आए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद वो अब जो पहला श्लोक है उसके तात्पर्य का भाव देते हैं, जैसे गाय के लिए दो बैल लड़ते हैं, इस धरती को भी गो कहते हैं, गो का मतलब पृथ्वी, गो को पृथ्वी कहते हैं और गाय को भी गो कहते हैं, इल्ला पृथ्वी को कहते हैं और गाय को भी इल्ला कहते हैं। तो जैसे गाय के लिए बैल लड़ते हैं, ऐसे पृथ्वी के ऊपर भगवान और असुरों के बीच में लड़ाई होती रहती है। यहां भगवान के लिए शब्द हुआ है यज्ञ, यज्ञ अव्यय, ये भगवान का शरीर जो है भले वारह देव का दिखने में हो, परंतु ये यज्ञ अव्यय मतलब यज्ञ रूप था जो अविनाशी है। अब ये कहते हैं अविनाशी को, भगवान कोई भी रूप धारण कर सकता है परंतु उसका शरीर सदा ही सच्चित आनंद रहता है। भगवान का स्वरूप है तब तो सबको रूप प्राप्त होता है। ये सामान्य जो है सूकर का शरीर नहीं मानना चाहिए, भगवान का यज्ञ रूप है। भगवान को वारह को दो बातें कहते हैं, यज्ञ स्वरूप भी कहते हैं और क्या कहते हैं, हाँ जी हमने पढ़ा है ना, वेद रूप और यज्ञ रूप। पहला क्या पढ़ा था, किसी को याद है? जैसे यज्ञ भगवान विष्णु को अर्पण किए जाते हैं, यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु का स्वरूप। उनका शरीर भौतिक नहीं होता है, इसलिए उसको यहां इस भगवान वाराहदेव को यहां सामान्य पशु नहीं समझना चाहिए। और ब्रह्मा को यहां कहा है स्वराट, और इसका वास्तव में तो भगवान स्वराट है, पूर्ण रूप से स्वराट तो भगवान है। पहले श्लोक में स्वराट शब्द आता है भागवत के आरंभ में, ये स्तुत जो मंगलाचरण है उसमें स्वराट का मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र। ब्रह्मा को यहां स्वतंत्र क्यों कहा गया है, क्योंकि भगवान का ये अंश है और भगवान का प्रतिनिधि है, इसके लिए इसको भी स्वतंत्र कहा गया है। हर एक जीव को थोड़ी तो स्वतंत्रता होती ही है, पर ब्रह्मा जी यहां मुख्य जीवों का अधिपति है, इसलिए उसके अंदर स्वतंत्रता का जो है अधिकतर मात्रा है। भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है ब्रह्मा जी, हाँ जी। ये ब्रह्मा जी का शाम से नहीं समझ नहीं आया कि उनकी संध्या, मतलब इतने कितने काल तक युद्ध हुआ ये समझ नहीं आया प्रभु जी। आगे पढ़ेंगे, देखें क्या होता है। हमने ये सुना है कि ब्रह्मा जी की शाम होने का मतलब है संभवतः जहाँ ये लड़ रहे थे वहां आए ब्रह्मा जी अपने अनुयायियों के साथ, तो उनको शाम यहाँ की दिखी, अथवा ये ब्रह्मा जी की शाम अगर हुई है तो बहुत समय ये युद्ध चला है। ये दोनों यही कि वहां का तो बहुत समय काल लगता है, वहां छठे मनवंतर की कथा, छठे मनवंतर में जो हाँ, ये वराह प्रकट हुए थे। हाँ, तो वो उस मनवंतर का ये कितना समय लड़े
अब इसका गिनना आगे कहीं आएगी तो देखेंगे। वैसे ब्रह्मा जी का समय तो इतना बड़ा है, किसी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, आपके यहाँ का एक सेकंड इस दुनिया के लाखों युग बीत जाते हैं। बोला जी हाँ। बोला फिर आपका यहाँ का रुपया अरबे रुपये हो जाएगा ना। बोला हाँ। तो कहा कि ब्रह्मा जी एक रुपया तो दे। बोला एक मिनट रुको, अब एक मिनट के तो ये क्या इसके परदादे क्या, पता नहीं कितनी पीढ़ी समाप्त हो जाएगी, तो रुपया कभी नहीं मिलेगा। तो ब्रह्मा जी का तो जीवन बहुत लंबा है। यहाँ प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, इसका रस आस्वादन करते हैं। हमने ये कहीं पढ़ा है ऐसे लिखा हुआ, तो ब्रह्मा जी को स्वतंत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान का अंश है और जीवों का अधिपति है, और इसको जीवों के ऊपर नियंत्रण रख के और शासन करने के लिए भगवान ने गुण अवतार के रूप में प्रस्तुत किया है, और सारे देवता इसके लिए काम करते हैं, इसलिए इसको स्वराट कहा गया। तो क्यों ब्रह्मा जी को स्वराट कहा गया, तीन चार कारण इस तात्पर्य में मिलेंगे, इसको आप निकाल के रखिए। हो सकता है ऐसा प्रश्न कभी हो कि ब्रह्मा जी को स्वराट क्यों कहा गया, वाराहदेव को यज्ञ मूर्ति क्यों कहा गया, वो वेद रूप है और यज्ञ रूप है। और उनके साथ सदाई ब्रह्मा जी के अनुयायी उसके साथ होते हैं, और दोनों इस युद्ध को देखने के लिए आए, ब्रह्मा और ब्रह्मा के अनुयायी। तो अपनी इच्छा से भगवान ने यह रूप धारण किया था, और उनके साथ उनकी जो है प्रियसी भी साथ में हुई आ रही थी, जो इसको वैसे तो वाराहदेव का ये पृथ्वी जो है पत्नी है, इसी से भौमासुर पुत्र का उत्पत्ति होती है। अब हम 21वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। आसन सौड़ीरं अपेत सद्वसं साध्वसं कृत प्रतिकारं आहार्य विक्रमं विलक्ष्य दैत्यं भगवान सहस्रक्निर् जगात नारायणं आदिशूकरं। ब्रह्मा जी जब उस स्थान के ऊपर आए जहां उनके अंदर युद्ध हो रहा था, ब्रह्मा जी कैसे हैं, वो सहस्र ऋषियों के अधिपति हैं, और ये सब दिव्य है। जब उन्होंने असुर को देखा और उसके अंदर इतना बल था, असीम बल था, और उसके साथ कोई नहीं लड़ सकता था, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को जो वाराह के रूप में आए थे, उनको इस समय वाराह के रूप में आए थे, तो वो देख के उनको प्रार्थना की। तो क्योंकि इस असुर इससे पहले सब देवताओं को हरा चुका था, सब जगह विजय प्राप्त करके आया था, वरुण देव ने इसको भगवान से लड़ने की प्रेरणा दी थी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इससे कोई लड़ने के योग्य नहीं था, कोई उसके लायक भी नहीं था, अधिकार भी नहीं था, इसलिए भगवान को ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। सौरीरम, सौरीरम का मतलब अचिंत्य शक्ति थी, अथवा शक्ति के कारण वो एक अहंकार के नशे में था, और ब्रह्मा जी सहस्रनीह का मतलब हजारों ऋषियों के अधिपति हैं। अब 23 श्लोक में लिखा है ब्रह्मा जी अब क्या प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहने जा रहे हैं, ब्रह्मा जी एष ते देव देवानां अंगरि मूलं उपेयुषां विप्राणां सौरभ्यैषणां भूतानामपि अनागसां आगस हृद भया कृद दुष्कृद अस्मद्रुद्धाः वरो असुराः अनवेशम अप्रतिरथो।
लोकान अटति कुंडका कंटक। ये तो सबके लिए कांटा है। अब क्या ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे मेरे स्वामी देव देव, ये राक्षस जो है ये सबके लिए कांटा है, देवताओं के लिए तो विशेष कांटा है, और किसके लिए कांटा है, ब्राह्मण गाय और सामान्य जीवों के लिए। अब हमने कहीं ये शब्द पढ़े थे, गौ ब्राह्मण और जो अरक्षत है वो भगवान कहते हैं मेरा शरीर है, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, और ये सब जो, और दूसरे कौन, जो निष्पाप थे, जो भगवान के ऊपर निर्भर थे, और भगवान आपका जो चरणों की सेवा करते हैं, इसके इसके पास इतना बल है, वो इन सब भले मानसों को बहुत बड़ा जो है उनको परेशान कर रहा है। और क्योंकि इसने मुझसे आशीर्वाद प्राप्त किया है, और ये अपनी शक्ति को इकट्ठा करके हर समय अपने बराबर लड़ने वाला कोई ढूंढ रहा था, ये पूरी धरती के ऊपर ऐसे, पूरी पृथ्वी के ऊपर ऐसे घूम रहा था, पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा था, और इसका उद्देश्य बहुत ही अशुभ था, लड़ने के लिए घूम रहा था। तो इसमें गो ब्राह्मण ये सब शब्द आ गए हैं कि इन सब के लिए ये दुखदायी था, ये देवता असुरों का अपराधी है जिन्होंने आपका शरण लिया है, ब्राह्मण गाय और निष्पाप प्राणी, इनके लिए ये भय का कारण बना हुआ है, उनके ऊपर आक्रमण करता है। इसने मुझसे आशीर्वाद लिया है और ये कोई अपने योग्य लड़ने के लिए प्रतिद्वंद्वी ढूंढ रहा है, और पूरे पृथ्वी के ऊपर ये सबको दुख देने के लिए घूम रहा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं यहां यहां वही बात करते हैं कि दो प्रकार के प्राणी हमेशा होते हैं, एक असुर होते हैं जिसको देवता कहते हैं, और दूसरे असुर होते हैं उनको राक्षस या असुर या दैत्य कहते हैं। और ये देवता जो है वो पूजा करना किसकी चाहते हैं, सॉरी ये जो असुर जो हैं वो सामान्य रूप से बड़े जो है देवताओं की पूजा के लिए बड़ी उनकी जो है रुचि रहती है, और ये इसके लिए बड़े प्रमाण है कि उनको बहुत बड़ी शक्ति देवताओं से प्राप्त होती है, उस शक्ति से, उन शक्ति के द्वारा वो इंद्र तृप्ति करते हैं, और इन्हों का ये जो बल है ये ब्राह्मण देवता और सामान्य निरपाप निष्पाप जीव और गाय, यहां लिखा नहीं है, इन सब के लिए संकट का कारण होता है। और ये असुर हमेशा देवताओं के साथ तो शत्रुता रखते ही है, और ब्राह्मण जो है निष्पाप होते हैं और उनको ये हमेशा भयभीत करते रहते हैं। देवता क्या करते हैं, सॉरी असुर क्या करते हैं, देवताओं से पावर प्राप्त करते हैं, और उससे पावर प्राप्त करने के बाद देवताओं के ऊपर ही आक्रमण करते हैं। और भगवान शंकर के ऐसे एक भक्त का वर्णन आता है, ये कौन से भाई असुर की बात लिखी हुई है, आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, भस्मासुर का दूसरा नाम क्या था, भस्मासुर और नाम था विरकासुर, विरकासुर या भस्मासुर, भस्मासुर विरकासुर भी इसका नाम था। तो उसकी कथा प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं, तो इसके इसके विपरीत भगवान के भक्त भगवान से कोई शक्ति नहीं मांगते इंद्रिय तृप्ति के लिए, परंतु उनकी सेवा सेवा के लिए
प्रार्थना करते हैं, उनको मुक्ति भी दी जाती है तो उसको लेने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, वो सदा ही भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न रहना चाहते हैं। बिना कारण के ये असुर जो है अत्याचार करता है, ये भयकृत जो जो इनको रोकना चाहते हैं, ऐसे निष्पाप ऐसे लोगों को पापी है, दुष्ट है, दंडित करता है, और जब वो देखता है भयभीत है तो ये उनको मारता है और उनका सारा धन लूट लेता है। एक तात्पर्य बहुत लंबे है, दूसरे में नहीं पढ़ पा रहा हूं। 24वां श्लोक, मैनम मायाविनम दृप्तम निरंकुशम असत्तमम आकीर्ण बालवद देव यथाईश यथा यथा शिविशम उत्तितः। ब्रह्मा आगे कह रहे हैं, हे मेरे प्रिय भगवान, इसके साथ खेलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो सांप है जी। ये असुर क्या है, ये सांप के स्वभाव वाला असुर है, उसको सदा ही मारना चाहिए, और इनके पास कुछ माया भी शक्तियां भी होती हैं, और ये बड़े अहंकारी है, और ये अपने आप को स्वतंत्रता मानते हैं और बहुत दुष्ट हैं। ये सब है, यहाँ शब्द जो संस्कृत हैं इसमें देखो, असत्तमम, सत्तमम कहते हैं भक्तों को, असत्तमम असत्तमम का नाम है भक्तों के विपरीत, इसका मतलब दुष्ट। अकीर्ण, इसके साथ खेलिए मत, बालवत, ये बच्चों की तरह इसको ऐसे नहीं समझिए, क्योंकि ये बड़ा दुष्ट है। निरंकुशम, इसके ऊपर किसी का भी, ये मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र है अपने आप में, किसी के ऊपर इसका अंकुश नहीं है। दृपतम, बड़ा अहंकारी है, और मायाविनम, ये बड़ा मायावी युद्ध करता है, तो आप इसको बाल की तरह खेल मत से कीजिए, इसका उद्धार कीजिए भगवान, अब देर नहीं कीजिए। तो प्रभुपाद जी ने लिखते हैं, जब सांप को मारा जाता है तो कोई भी दुख नहीं करता है, और ये गांव के बच्चों का तो खेल है कि सांप को पकड़ना पूंछ से और उसके साथ खेलना और फिर उसको मार देना। प्रिया जो की रुके क्लास है, और ऐसे ही भगवान इस असुर के साथ खेल रहे थे, और जैसे बच्चे खेलते हैं सांप के साथ। ब्रह्मा जी ने कृपा प्रार्थना की कि भगवान, असुर बड़ा दुष्ट है, इसके साथ ऐसे बच्चों की तरह खेलने की आवश्यकता नहीं है, इसको मार दिए, देर मत कीजिए इसको मारने में। आप मत समझिए कि ये कोई अनजान या मूर्ख है, आप तो भगवान ज्ञान के श्रोमणी हैं, आप गरुड़ के समान हैं, और आप सांप से खेलने का आनंद ले रहे हैं, आप इसके साथ लड़िए न। नहीं, हम जानते हैं और मानते हैं कि ये क्रोधित सांप की तरह दुष्ट है। 25वां श्लोक, न यावदेश वृद्धेत स्वाम वेलां प्राप्य दारुणः स्वाम देव मायां आष्ठाय तावद जहि अघम अच्युत। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे भगवान अच्युत, इसको मार दीजिए पापी को, उस समय से पहले जब असुरों का समय शुरू होता है, और उस समय इसको उस समय ये अधिक बलवान हो जाएगा, इसको मारना मुश्किल हो जाएगा।
हम मानते हैं कि आप इसका देव माया के द्वारा संहार कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, फिर भी इसको मौका नहीं दीजिए उस समय का जो समय भयानक होता है। असुरी समय आए उससे पहले इसका वध कर लीजिए अच्युत, और उस वक्त इनकी शक्ति बढ़ जाती है। आपके पास तो अपनी योग माया है, इसलिए आप इसको मार दीजिए, पापी को, इस पापी का आप वध कर दीजिए। स्वाम वेला मतलब असुरों का समय आए, प्रायः जो है असुरों का समय कब होता है, उस समय इनकी शक्ति बढ़ जाती है। आप भगवान हैं, उस समय आप इसको नहीं मार सकते क्योंकि इसकी शक्ति बढ़ जाती है। भगवान ब्रह्मा जी को पूर्ण नॉलेज था, ज्ञान था, भगवत प्रेम के कारण वो जो है भगवान को कह रहा था इसको जल्दी मारो, पता नहीं क्या हो जाएगा। इसी प्रकार वसुदेव और देवकी पूर्ण उनके अंदर शक्ति और ज्ञान था, परंतु स्वयं द्वेज भवाधि हेतु कस्मात अहम अधि, मैं कंस के भय से कांप रहा हूं, ऐसे कहते हैं वसुदेव। तो वास्तव में वो केवल कृष्ण प्रेम के कारण ऐसे कह रहे हैं। तो आपको कोई ऐसा और उदाहरण सूझता है जिसमें किसी ने कहा है कि आप ध्यान से इससे लड़ना, इसका बल बढ़ जाएगा? रामचंद्र जी को बाली, जब वो बाली, बाली, के बाली के सामने आने से उसको ये वरदान था कि सामने वाले का आधा बल बाली को प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब उसका आधा बल उसके बराबर और अपना उसका बल उसके ऊपर भारी पड़ेगा। ऐसे यहाँ ये भाव इसमें है, भगवान को वहां रामचंद्र को बाली ने कहा था और यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान वाराहदेव को कि असुर का वेला, असुरों का समय शाम का समय है, रात पड़ी तो ये बड़े भारी पड़ जाते हैं। 26वां श्लोक, एष घोरत्मा संध्या, ये समय की बात है, एष घोरत्मा संध्या लोक संभवत लोक संबट करी प्रभो उपसरप्ति ही सर्म स्वार्थमन सुराणाम जयम आवह। तो यहां लिखा है जब रात हो जाएगी संध्या के उपरांत और अंधकार छा जाएगा उस समय इसको मारना मुश्किल है। आप तो परमात्मा है, सबके परमात्मा है, इसको मार दीजिए, इसके ऊपर विजय प्राप्त कीजिए और देवताओं को प्रसन्न कीजिए, ये इसका भाव है। फ्राइटनिंग टू लाइट द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल प्लैनेट इज अप्रोचिंग, इसका मतलब अब जो समय इस असुरों का आ रहा है ये पूरे लोक का नाश करने वाला है। भगवान आप सबकी आत्मा है, कृपा करके देवताओं को विजय दिलाइए इस मूर्ख से। अब 27वां, अब ये 20 से 28 श्लोक में दो श्लोक बाकी हैं, ये अध्याय आज पूरा करते हैं भगवान की कृपा से। अधो नैशो अभिज्ञम नाम योग मोहराति को है आगत अगात शिवाय नस्त्वं सुहृदां अशो नस्तरह दुस्तरम। अब अभिजेत नक्षत्र है, बहुत ही शुभ समय आ गया है और ये विजय के लिए तो बहुत ही उत्तम है। अभी मध्याह्न हो रही है, आपके मित्र मतलब देवताओं के हित के लिए प्रभु आप प्रभु जी इस बड़े दुष्ट और बलवान का अब नाश कर दीजिए। तो ये अभिजित
समय अब दोपहर के बाद आ ही गया है और दोपहर पूरी हो गई, अब जल्दी कीजिए, आपके मित्र देवताओं का हित कीजिए। अभी तक अभिजीत है, इसी समय में ये काम कर लीजिए। अभिजीत का मतलब है दोपहर का समय, और ये मुहूर्त अतीक कहा है, ये अब गुजर ना जाए उससे पहले आप जल्दी कीजिए, आधा तो गुजर चुका है, आप इसका वध कर दीजिए। और 28वां श्लोक, दृष्ट्या त्वाम विहितं मृत्युम् अयम् आसादितः स्वयं विक्रमायनं मृधेहत्वा लोकान आदेही शर्मणि। शांति दीजिए संसार को, इसका वध कीजिए, ये हमारे लिए बहुत ही शुभ समय है, भला हमारे लिए तो लकी समय है, अपने आप आ गया है, और इस आपके हाथों इसका मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए अब आप इसको मार दीजिए इस द्वंद युद्ध में, और संसार में शांति स्थापित कीजिए। और यहां हमारा तात्पर्य और सब कुछ पूरा समाप्त हो गया। अब चक्रवर्ती पाद ने क्या लिखा है, आपके तो ये आपका पहले से ही निश्चित, इस आपके हाथों इस दुष्ट का मृत्यु निश्चित है, और आपने ये उचित समय आपकी इच्छा से प्रकट किया है, और कुमारों के शराब से यहां आए हैं, इसलिए आप अब इसको समाप्त कीजिए। इसके साथ हमारा अध्याय भी समाप्त हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाँ जी, एक चीज पूछना चाह रहा था, आप आज्ञा दे तो बोलिए बोलिए। सामान्य जन और देवता में क्या अंतर है जी? सामान्य जन अपने कर्मों के कारण इस संसार के अंदर सुख और दुख दोनों भोग रहे हैं। देवता ने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, इसलिए वो देवलोक में केवल सुख ही उनके पास है, उनके लिए दुख बहुत कम है। स्वर्गलोक में सुख इतना ज्यादा है कि भगवान याद नहीं आता, नरक में दुख इतना है कि भगवान याद नहीं आता, मानव लोग इतना अच्छा है कि दुख और सुख का इतना मिश्रण है कि भगवान याद करने के लिए मौका है। इसलिए देवता पांचवें स्कंद में प्रार्थना करेंगे कि हमने जो पुण्य किया है, इसलिए हमको देवता का शरीर मिला है, अब उसके पुण्य तो पूरा हो गया, कुछ बचा हुआ है तो मानव बनाइए धरती के ऊपर हमको, ताकि हम भगवान को जल्दी पा सकें। अरे बोल, देवता में जो हमारे अंदर 50 गुण है 64 में से, वो देवताओं में अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए ब्रह्मा में ब्रह्मा के पास अधिक स्वतंत्रता है। तो 50 गुण जो मानव इंसान में है धरती के ऊपर, वही 50 देवता में है, लेकिन मात्रा ज्यादा है। तो ब्रह्मा जी में अधिक मात्रा है अन्य देवताओं से, परंतु फिर भी है उसी श्रेणी में, वो भी जीव है, हम भी जीव हैं, लेकिन वो जीव सतोगुण ज्यादा है, प्रायः देवता प्रायः अधिक सतोगुण में रहते हैं, और हम मानव जो है प्रायः रजो और तमोगुण का प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा रहता है, ये दोनों में और अंतर है। अठावन गुण बताते हैं वैसे? हाँ जी, अठावन गुण बताते हैं वैसे, संबंध कितना अर्जित कर सकता है व्यक्ति? देखिए, ये आप चेतन अचेतन में लिखा है, 50 गुण इंसान के और वही गुण देवताओं के, इंसान से अधिक, उससे 5 गुण अधिक शंकर जी में, वो देवताओं में नहीं है, और शंकर जी से अधिक 5 नारायण में, जो शंकर में नहीं है, और 4 नारायण से अधिक कृष्ण में, जो नारायण में नहीं है, और ये परसेंटेज में 78% तक गुण मानव प्राप्त कर सकता है, प्रतिशत जो है 64 में से 50 का आप अगर प्रतिशत निकालेंगे
तो 78 पॉइंट समथिंग आएगा। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। मुझे जो अभिजीत मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त, कितने समय का होता है? कोई भी मुहूर्त जो है जनरली 1.5 घंटे का, 24 मिनट का होता है, या जो पहर 3 घंटे का होता है, मुहूर्त उसके अंदर 24 मिनट है या 48 है, ये तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता हूँ। पहर होता है 3 घंटे का, और एक पहर में कितने मुहूर्त है, 48 मिनट का मुहूर्त है या 24 मिनट का है, मुझे ये पूरा ध्यान नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक जिज्ञासा है, जैसे ये जय विजय आए भगवान की इच्छा से, बैकुंठ से नीचे आए, उस समय जब वो क्रोध करके और भगवान को दुर्वचन बोल रहा है, उस समय उसको वो विस्मृति है या वो खाली गेम खेलने के लिए बोल रहा है? अगर एक शब्द जो आया था तात्पर्य में, वो ये था कि वो क्रोध का प्रदर्शन कर रहा है, वास्तव में क्रोध नहीं है। एक शब्द आज तात्पर्य में ऐसा आया था, वो क्रोध करने का एक जो है वो अभिनय कर रहा है। परंतु उस एक दृष्टि से देखा जाए तो वैकुंठ से आने वाले लोगों को विस्मृति हो नहीं सकती है जनरली कहा जाए तो, परंतु लीला के लिए थोड़ी देर के लिए विस्मृति हो भी जाए, इसलिए आचार्यों ने उसका दूसरा अर्थ जो निकाला है उससे अच्छा लगता है कि वो कर कर प्रार्थना रहे हैं, लेकिन लगता है ऐसे है कि दुर्वचन कह रहे हैं, ये लीला के हिसाब से है। और लीला में अब हमारे से पूछा जाए तो ये योग माया करती है, महामाया उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती वैकुंठ वालों के लिए। योग माया भी भुलाती है, यशोदा को भुला दिया कि घर में आप पूतना आ गई है, अरे भगवान की माता हो के इतनी मूर्ख तो नहीं हो सकती ना, पर योग माया भगवान की लीला के घटन के लिए ऐसे करती है। तो ये असुर योग माया से प्रभावित हो सकते हैं, महामाया से नहीं। थैंक यू प्रभु। जैसे मथुरा वालों को भी योग माया ने सुला दिया, सॉरी मथुरा वालों को महामाया ने सुला दिया, गोकुल वालों को भी सुला दिया योग माया ने भगवान के अवतार के समय, तो दोनों जगह सो गए थे, लेकिन एक माया से सोया था, एक योग माया से सोया था। तो माया भगवान के भक्तों के ऊपर प्रभाव नहीं डालती है, योग माया तो लीला के लिए भगवान के ऊपर भी प्रभाव डालती। तो ये लीला शक्ति और योग माया के कारण ऐसे होता है, महामाया नहीं हाथ लगा सकती। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। थैंक यू वेरी मच इतने अच्छे से सब कुछ हमें समझाने के लिए। प्रभु जी, एक मेरी वो है जिज्ञासा थी कि ये तीन बार जैसे वो लेना था, अवतार लेना था जय विजय को, तो हमने देखा कि जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम पे अवतार लिया तब तो वो बहुत भीषण रूप में आए थे, इतनी सीवियर ऑस्टेरिटीज की, तपस्या की, भगवान के साथ युद्ध भी बहुत ज्यादा। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आए तो रावण के फॉर्म में जब आए थे तो अगर इससे रिलेट करें तो थोड़ा सा वो था, एक कम था। और कृष्ण भगवान के साथ जब आए तो वो हमको ज्यादा ऐसे नहीं दिखते कि इतने भीषण थे कि सिर्फ उन्हीं के लिए भगवान आए हो, तो ऐसा कुछ वरदान था क्या कि वो रिड्यूसिंग फॉर्म में होगा, या ये हमें लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ वो रिड्यूसिंग है, कि नहीं वो तो उतने ही भीषण थे? असल में वैसे तो भगवान के हाथ से मरने के बाद तो उनको जाना चाहिए वापस भगवान के धाम, केवल श्राप को पूरा करने के लिए वो दूसरे भी जो है असुरी शरीर में उन्होंने धारण किया। इनमें तीन चीजें इनको दिखानी थी, काम, क्रोध और लोभ, जो नरक के द्वार हैं। तो इसमें लोभ की प्रधानता से हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु हुए, सब दुनिया को अपना बनाने का प्रयास कर रहे थे। काम की प्रधानता से रावण है, जो देवताओं की स्त्रियों को भगाने के साथ भगवान की अंतरंग शक्ति सीता को भी भगा के लाया। और शिशुपाल क्रोध का जो है रूप है, वो केवल भगवान से क्रोध कर रहा था। तो लोभी ज्यादा जो है दुष्ट होता है, सब पापों का जो जो है लोभी के अंदर।
कामी भी बड़ा जो है दुष्ट होता है, और क्रोधी जो है, क्रोध तो काम के पीछे आता है, इसका मतलब थोड़ा कमजोर होता है। काम प्रबल होता है, अंदर में होता है, क्रोध बाहर दिखाई देता है लेकिन थोड़ी देर के। काम तो बहुत, काम तो जीते जी जीवन से जाता नहीं है, लेकिन क्रोध थोड़ी देर टिकता है, फिर जा चला जाता है, फिर आ जाता है। तो ऐसा है कि एक दृष्टि से जैसे उनका शराब कम हो रहा था, जैसे लोन लेते हैं बैंक से, जैसे देते जाते हैं तो आस्ते आस्ते उसका इंटरेस्ट कम होता जाता है, ऐसे लगता है कि इस भाव से भगवान की और लीलाएं वहाँ मधुर हो गई। वराजे को कोई लीला नहीं करनी थी, लेकिन वो दोनों तो बहुत लीला अवतार है, पुरुषोत्तम और मर्यादा लीला, तो उनकी लीला ज़्यादा थी। और ये तीन दोष दिखाने थे जो नरक का द्वार है, वो एक शिक्षा उससे ये मिलनी चाहिए थी। हरे कृष्ण। दंत वक्र के बारे में और बताया जी, दंत वक्र में जो किसका प्रभाव था? दंत वक्र और शिशुपाल दोनों क्रोध का होंगे ना? दोनों क्रोध के। शिशुपाल को मारने के बाद बहुत क्रोध में वो हस्तिनापुर ढूंढने गया, वहां नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा कि मथुरा में हो, तो मथुरा पे आ गया। भगवान तो उस समय द्वारका में थे, द्वारका से वो जो है जिन्होंने, जिसने सौरभ विमान बनाया था शंकर जी की कृपा से, क्या नाम है उस असुर का जिसने द्वारका के ऊपर आक्रमण किया था, प्रद्युम्न उससे लड़ते लड़ते मूर्छित हो गए थे, क्या नाम है उसका? अरे कहाँ चली गई आप, आप चली गई बिहार में, ये बात हो रही है द्वारका की, उसके विमान का नाम है सौरभ विमान। प्रद्युम्ना उससे मूर्छित हो गए थे, वो उसका नहीं नहीं बाणासुर नहीं, अब मेरे जबान पे नाम है, आजकल जबान थोड़ी, हमारा नाम थोड़ी देर के लिए हमारे को देर से आते हैं। आया किसी को मिला सौरभ जिसके पास आकाश से आक्रमण करने के लिए, वो तो वसुदेव का भी एक मूर्ति बना के ले आया और भगवान के सामने उसका वध करके दिखा दिया, भगवान भी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही शोक करने लगे, उसमें बहुत बड़ी नाम आया किसी को हाथ के? नहीं आया अभी तक, नहीं आ रहा, ऐसे ही आ रहा बस। नहीं पौंड्रक नहीं, भौमासुर नहीं, सौरभ शिप, वन हु ऑनर्ड द सौरभ शिप। शाल्व 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 जो अंबा उससे शादी करना चाहती थी, वो भीष्म देव उसको लेके आया, इसलिए वो बहुत क्रोधित हुई थी कि मैंने माया भी, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा, आप करो, अभी उसके पास नहीं जाऊंगा, ये शालव की बात है। तो शालव को भगवान ने मारा और फिर भगवान द्वारका में प्रवेश नहीं किया, वहां से सीधे मथुरा आए, यहाँ आके दंडवकर तो ढूंढ रहा था, भगवान का युद्ध हुआ उसका उद्धार किया, फिर भगवान 100 साल पूरे हो गए वृंदावन में वापस आए और वहां से सबके साथ मिले, और उन्होंने कहा भगवान अब आपका दूरी हमसे सही नहीं जाती है, तो एक रूप से भगवान उन सबको लेके वापस गोलोक चले गए और एक रूप से फिर वापस द्वारका गए। सौरभ शाल्व 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 शिशुपाल दंडवकर जरासंध विदुरथ ये सब असुरी प्रवृत्ति के थे, जो भगवान से ईर्ष्या रखते थे और क्रोध करते थे, ये सब साथी थे। हरे कृष्णा, मिलेंगे कल। हरे कृष्णा। अब मैं देखते हैं कितना, 2 दिन और लगेगा मेरे के, कितना